तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। एंड दोस्तों एक बार फिर से लेके आ गए आपके लिए एक और नई सुपर बाइक। जो सुपर बाइक जो है, जो आज हम बात करने वाले हैं भाई, सुजुकी कताना, जो कि आपने नई आई है। ये जैपनीज कताना हम इसको बोल सकते हैं, द जैपनीज कताना का नाम भी हम इसको दे सकते हैं। सो आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि इस बाइक की कैसी लुक है, ओवरऑल पर्सनली मेरे को कैसी लगी जब मैंने इसको बाई फेस देखा, एंड इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, कैसे इसके डायमेंशंस हैं, कैसे इसकी इंजन पावर्स है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है। सो उन सभी के बारे में अभी बात करने वाले हैं। ये भाई साहब चौके हुए हैं इस गाड़ी को देख के, बाइक को देख के ये भाई साहब चौके हुए हैं। पता नहीं उनको क्या शौक लगा भाई, क्या हुआ भाई? मैंने तो पहली बार देखी ऐसी बाइक। पहली बार देखी, आप भी देखो कैसी लगी आपको ये। बहुत बढ़िया लगी भाई। चलो अभी मैं आपको भी दिखाता हूँ एक बार। चलो एक बार देखते हैं। तो ये है हमारी सुजुकी कताना, जैपनीज कताना भी हम इसको बोल सकते हैं। एंड इसका ओवरऑल लुक देखो दोस्तों कैसा है फ्रंट से, एंड ये दिखाता हूँ मैं इसका साइड से। साइड से देखो मतलब कॉम्पैक्ट सी लगती है। वो जो हमारी हायाबुसा थी वो काफ़ी हैवी लगती थी, लेकिन ये जो सुजुकी कटाना है ना दोस्तों, ये मतलब कॉम्पैक्ट सी लगती है। उसके मुकाबले इसकी मेरे ख्याल से डायमेंशन वगैरह कम होने वाली है। सो वीडियो के अंदर उनको भी देखते हैं कि क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बाइक की चाबी की बात करते हैं कि बाइक की चाबी कैसी है। सो भाई ये रही हमारी कटाना की चाबी। सो अगेन वही अपना कटाना का इस पर लोगो, जैपनीज कटाना। एंड ये कुछ ऐसी चाबी मिलती है हमें, एंड ये है इसका इग्निशन इसका हमें यहीं टैंक के पास मिलता है। मेनली हर सुपर बाइक का हमें यहीं पे मिलता है दोस्तों। सो अब मैं इसकी बार फ्रंट लुक की बात कर लेता हूँ कि फ्रंट लुक आपको कैसी मिलती है। कुछ इस प्रकार की हमें इसकी फ्रंट लुक देखने को मिलती है। ये मैंने इसकी हेडलाइट जो है वो ऑन कर दी थी। ये हमारा फुल एलईडी सेटअप में हमें देखने को मिलता है इसके अंदर भाई। ये हमें यहाँ पे कॉर्नर पे भी हमें यहाँ पे अपनी लाइट्स वगैरह देखने को मिलती है। ये इस साइड भी हमें कॉर्नर पर लाइट मिलती है। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो दोस्तों इसके इंडिकेटर यहाँ ना देखिए, इसके साइड में इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं। ये जो अपना रेडिएटर है इसके साइड में ही यहाँ इनको प्लेस कर दिया गया है। सो अगेन दोस्तों कैसी लुक लग रही है आपको ये बताना। ये है यहाँ सुजुकी का लोगो। ये मेनली यार नेक्ड बाइक जैसी लग रही है, लेकिन यहाँ से जो इसका थोड़ा सा पोर्शन है ये आगे निकाल दिया, अदरवाइज ये फुली नेक्ड बाइक ही लग रही है। एंड इसकी अगर सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसकी शोकर की, सो दोस्तों ये अपना वही अपसाइड डाउन हमें शोकर देख को मिलता है वही। फिर डुअल चैन ABS एंड ABS फिर हमारी है BRCM जो नहीं है। एंड दोस्तों इसके टायर सेक्शन और एक बार रिम की बात कर लेते हैं। रिम नहीं दोस्तों, अलॉय व्हील भी। सो दोस्तों इसका अलॉय व्हील देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत प्यारा यार, बहुत प्यारा लग रहा है इस बाइक के अंदर। सो अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ इसके टायर सेक्शन की। तो दोस्तों इस हमें टायर सेक्शन दिया जाता है इस बाइक के अंदर 17 inch इसके अंदर टायर सेक्शन देखने को मिलता है। एंड वही अगर बात करें हम पिछले टायर की, सो पिछले वाला भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो पीछे वाला टायर दोस्तों हमें देखने को मिलता है 190/50/ZR 70। सो दोस्तों पीछे वाला भी हमें ऐसा कुछ टायर सेक्शन देखने को मिलता है। अगर हमें वही फिर पीछे हमारे ABS वगैरह एंड अपने ये, तो अभी बात करता हूँ इसकी साइड प्रोफाइल साइड से। सो साइड से दोस्तों आपको कैसी लगी ये लुक देखने के अंदर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ये है कुछ अपने इसकी कटाना की साइड लुक। सो दोस्तों मैं एक बार जो आपको एक बार पास से दिखा देता हूँ इसकी लुक। ये देखो ये अपना अगेन सुजुकी का कटाना का लोगो, एंड ये अपनी यहाँ सुजुकी की बैजिंग, एंड ये अपना द जैपनीज कटाना। सो दोस्तों मेन अगर मैं इसके पेंट की बात कर लूँ तो यार इसका पेंट जो वर्क है ना वो ज़बरदस्त लगा मेरे को, क्योंकि ये हल्का आप मेरे ख्याल से कैमरे में नहीं देख पाओगे, लेकिन हल्का सा ये शाइनी सा है। मतलब अगर मैं बात कर लेता हूँ जैसे ये देखो ब्लैक वाला, इसके अंदर ये ब्लैक के अंदर आपको इजीली दिख रहे होंगे। सो ऐसे ही हमें इस ब्लू कलर के अंदर भी देखने को मिलते हैं, जो इसकी लुक को ओवरऑल बहुत अच्छी बना देते हैं। रोड प्रेजेंस दोस्तों आपने अगर देखी हो तो बताना मेरे को कमेंट करके कैसी लगती है आपको इसकी रोड प्रेजेंस। अगेन इसके अंदर दोस्तों जो एग्जॉस्ट है वो बिल्कुल छोटा सा दिया गया है, जैसे कि हमारी नेक्ड बाइक के अंदर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसका जो इंजन है यार ये बहुत पावरफुल है, इसकी बात हम अभी करने वाले हैं। एक बार रोल ओवर इसकी बात कर लेते हैं गाड़ी की लुक की। सो अगेन जैसे ही मैं पीछे आता हूँ बाइक की, तो जो सीट है ना ये बिल्कुल कंबाइंड दे रखी है, एक मतलब यूं नहीं कि सेपरेट दे रखी हो। इसका जो पोस्चर है यार बैठने का वो भी ज़बरदस्त है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। एंड अगेन सीट के अंदर भी हमें दो तरह का डुअल टोन देखने को मिलता है, एक तरीके से अपना ये लाइट क्रीम एंड ये फिर डार्क। एंड ये कुछ दोस्तों इसका पीछे का हिस्सा आ गया फिर अपना।
पीछे से दोस्तों हमें ये कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। अगर पीछे से बात करें भाई, अगर हम इसको हटा देना तो ये फुली मॉन्स्टर जैसी है भाई, बिल्कुल आप इसे मॉन्स्टर बोल सकते हो। अगर मैं इसको हटा दूँ, इसके जो अपना ये नंबर प्लेट वाला हिस्सा है, सो बिल्कुल मॉन्स्टर लगती है, क्योंकि बहुत वाइड, काफ़ी चौड़ा टायर है यार इसके अंदर। एंड अगेन दोस्तों, इसकी जो टेल लैंप है, टेल लैंप हमें कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। इसके नीचे वगैरह ना देखे, इसके बिल्कुल पीछे जस्ट ऐसे ही दी गई है ये बाइक, जो अपनी टेल लैंप है। एंड इसके नीचे मिलता है हमें सुजुकी का लोगो, बाकी में मिलता था हमें ऊपर। सो ये कुछ इसके अंदर बिल्कुल यूनिक सी चीज़ दी गई है कि यार इस बार उन्होंने बिल्कुल यूनिक सा प्रोजेक्ट तैयार किया है। सो आपको कैसा लगा है ये प्रोजेक्ट, साइड लुक देखो एक बार इसकी। एंड अभी हम बात कर लेते हैं इस गाइक के टैंक की। सो दोस्तों, टैंक इसके अंदर मेनली आए वो सर जितना बड़ा तो नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी इसके टैंक कैपेसिटी काफ़ी है, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बनाऊंगा। सो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। यह है अराउंड 95, यानी कि आपको अगर पेट्रोल कहीं भी डलवाना है तो भाई सुपर पेट्रोल ही इसके अंदर डलवाना होगा, नॉर्मल पेट्रोल हम नहीं डलवा सकते। ये अगेन अपने हैंडल पर कटाना की रेजिंग दस प्लीज कटाना। सो ये हमारा मैंने बताया था आपको, इग्निशन नहीं दिया जाता है। एंड ये देखो दोस्तों, इसका जो हैंडल है ना, इसका हैंडल बार है वो दिया जाता है भाई, जो अपने भी नेक्ड बाइक हैं जिनके जैसे लंबे हैंडल दिए जाते हैं, वैसे इसका भी दिया गया है। इसकी जो क्लच है भाई, ये वायर सिस्टम से है, जो अपनी वो पहले हायाबुसा थी उसकी अपनी सेंसर के अकॉर्डिंग थी। सो ये हमारा ABS के लिए दे रखा है। सो अभी मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट की, इंस्ट्रूमेंट इसका कैसा दिया जाता है। सो देखना, अभी मैं एक बार इंस्ट्रूमेंट ऑन कर देता हूँ। ये हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट, अगेन सुजुकी का लोगो, एंड देन फिर हमारा कटाना का। फिर आ जाती है हमारी सर्विस की बात, कि यहाँ ये क्या सर्विस वगैरह दे रही है हमें। ये इस साइड पे दोस्तों हमारा RPM है, इस साइड पे हमारा स्पीडोमीटर है, ये हमारे गियर इंडिकेशन है कि गियर क्या चल रहा है। ये TC यानी ये अपनी यार जो मोड्स वगैरह हैं कि हम किस मोड्स पे चला रहे हैं, TC को कितना 5, 6, 7 ये अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं भाई इजीली। सो अगेन हम बात कर लेते हैं फिर नीचे ऑडोमीटर की, ऑडोमीटर को भी हम अपने मोड्स चेंज कर सकते हैं। सो ये देखो दोस्तों, यहाँ नीचे चेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हो इजीली। Trip 3, Trip 2 बैटरी कितनी है, एंड अपना अगेन ब्राइटनेस कितनी है, इसकी ब्राइटनेस को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो इस प्रकार के कुछ हमें इसके अंदर मोड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। एंड अगेन मैं बात करता हूँ इसके राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे दोस्तों हमें यहाँ अपना ये टोटल के आने से जस्ट हमारा किल स्विच से बात याद आई दोस्तों, किल स्विच से मैं आपको एक बार इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ कि एग्जॉस्ट साउंड कैसी है इसकी। सो चलो एक बार एग्जॉस्ट सुनाता है आपको। ये देखो अभी मैं जैसे इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करते ही आप पूरा देखना, एक बार शोरूम गूंज जाता है यार। ये चीज़ यार फिनिश, क्योंकि इसके अंदर इंजन ही इतना पावरफुल है। इंजन की बता देता हूँ मैं आपको, 1000 CC का इसके अंदर इंजन मिलता है। एंड कंप्लीट अगर हम अब बात करने ही लगे इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो अब उसी की ही बात करते हैं। अब बता देता हूँ आपको इसकी फुल स्पेसिफिकेशंस की, हमें इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। हमारी स्पेसिफिकेशन की बात आती है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गाड़ी की ओवरऑल लेंथ कितनी है। सो दोस्तों, इसकी लेंथ हमें 2130 mm की देखने को मिलती है। एंड ओवरऑल इसकी विड्थ की यार मतलब चौड़ी कितनी है, सो उसकी बात आती है हमें फिर, कि ओवरऑल इसकी विड्थ जो हमें देखने को मिलती है, सो दोस्तों वो है हमारी 820 mm, यानी कि 820 mm। एंड ओवरऑल जो इसकी हम हाइट की बात करते हैं, कि ये नीचे से लेके ऊपर तक, ग्राउंड लेवल से ऊपर तक इसकी हाइट कितनी है, सो दोस्तों इसकी हाइट की बात आती है, तब इसकी हाइट आती है दोस्तों 1100 mm की। एंड जो इसका व्हील बेस है, जो फ्रंट व्हील से लेके लास्ट व्हील के बीच का जो हमारा व्हील बेस दोस्तों हमें इसका देखने को मिलता है 1460 mm का। एंड ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों इसके अंदर 140 mm, जो कि इसका ग्राउंड से लेके अपना जो ये बॉडी पोस्चर है वो होता है इसका। सो अगेन दोस्तों, सीट हाइट की बात कर लेते हैं, कि हमारे ग्राउंड से लेके सीट की जो फ्रंट वाली ड्राइवर वाली सीट है उसकी हाइट कितनी मिलती है हमें, तो दोस्तों उसकी हाइट मिलती है हमें 825 mm की। एंड जो इसका कर्व वेट आप बात कर लेते हैं, कि 1000 CC की जैसे ये बाइक है, सो ये हैवी कितनी होगी भाई। सो हैवी है दोस्तों ये बाइक हमारी, इसका कर्व वेट है टोटल 217 kg, यानी कि 478.4 lbs। सो इंजन टाइप की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर भी भाई 4-stroke लिक्विड कूल्ड DOHC इनलाइन 4 दे रखा है इसके अंदर इंजन हमारा। इसके अंदर हमारा इनलाइन 4 इंजन हमें देखने को मिलता है। इसके फ्यूल सिस्टम की बात करें तो भाई इसके अंदर हमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने को मिलता है। फ्यूल इंजेक्शन यानी कि अपने अकॉर्डिंग अपना सिस्टम सब कुछ उठाती है। एंड इसका जो स्टार्टर सिस्टम है भाई, इसमें किक वगैरह हमें देखने को मिलती है इसका, वही हमें अगेन किल स्विच हमें सिर्फ देखने को मिलता है। सो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। एंड लुब्रिकेशन सिस्टम जो है इसका वेट स्टैम्प वाला है भाई। ट्रांसमिशन की बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम 6 स्पीड
कॉन्स्टेंट मैश वाला ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलता है। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं तो इसका फ्रंट वाला सस्पेंशन है दोस्तों इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फुल स्प्रिंग ऑयल्ड डैम्प्ड। दोस्तों इसका जो रियर सस्पेंशन में देखने को मिलता है वो है दोस्तों इसका लिंक टाइप ऑयल स्प्रिंग ऑयल डैम्प्ड एंड जो एंड अगेन दोस्तों हम इसके फ्रंट में अगर इसके ब्रेक्स की बात करते हैं तो हमें ब्रेक्स जो फ्रंट वाले देखने को मिलते हैं वो बाइक डिस्क ब्रेक मिलते हैं वो भी ट्विन यानी कि हमें दोनों साइड हमारे देखने को मिलते हैं डिस्क ब्रेक्स। एंड अगेन रियर की बात करते हैं तो रियर में हमें सिर्फ डिस्क ब्रेक सिर्फ एक ही देखने को मिलता है क्योंकि जो हमारी अगेन दूसरी साइड है उसके अंदर हमारा बाइक चेन वाला सिस्टम है। और बात करते हैं भाई इसके इग्निशन सिस्टम की, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन दे रखा है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा फुली डिजिटल है ये हमारा। सो फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात आती है कि हमारी गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना आता है, इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। सो फाइनली अब हम इसकी बात करते हैं। सो दोस्तों हमारी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर की। सो 12 लीटर का हमारा ये फ्यूल टैंक है। 12 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ साथ अब हम बात कर रहे थे कि भाई ये एवरेज कितनी देती है यार, सुजुकी की एवरेज कितनी थी कमेंट में बताओ, आपको क्या लगा कि हमारी पहली वीडियो में कितनी एवरेज आई। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो भाई इसकी एवरेज हमें नियर अबाउट 15 के आसपास हमें इसकी एवरेज मिल जाती है। सो इसकी एवरेज काफ़ी हद तक अगर हम देखें तो यार बेटर है उससे, क्योंकि हम जब रैप वगैरह करते हैं सो उसकी एवरेज तो बिल्कुल डाउन पड़ जाती है। लेकिन इसकी फिर भी एंड अगेन बात करूँ भाई इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन, तो इंजन तो यार इसका इतना पावरफुल है जैसे कि मैंने आपको बताया 1000 cc का है। सो पावर भाई अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो समझ सकते हो आप प्लेन की रॉकेट की तरह निकलती है। सो दोस्तों इसी के साथ कैसी लगी आपको हमारी ये हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड दोस्तों कमेंट करके यार मोटिवेट किया करो, हम आपके मोटिवेशन का ही इंतजार करते रहते हैं क्योंकि जब भी आपके कमेंट आते हैं उन्हीं से हम मोटिवेट होते हैं, हमें पता लगता रहता है कि हम कैसा कंटेंट बना रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो दोस्तों पसंद आ रहा है तो यार कमेंट किया करो, लाइक किया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम ऐसी ऐसी सुपर बाइक्स की वीडियोज़ जो है वो आपके लिए लाते रहें। अगेन भाई ये ऐसे सुपर बाइक्स हैं, ये भाई ड्रीम बाइक्स हैं हर किसी की होती हैं, मेनली हमारी भी है जैसे कि मैंने आपको बताया था हायाबुसा इज़ अ ड्रीम बाइक। सो आपकी कौन सी है कमेंट करके बताओ। चलो इसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।